हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और इसी के साथ में जब भी हम विड्रॉल करते हैं लॉन्ग टाइम में, तो यहाँ पर 12.5% का हमें टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पैसा यानी कि टैक्स के रूप में पे करना होता है। और ऐसे में अगर हमें 20% तक का यहाँ पर रिटर्न मिल जाता है तो हमें 7.5 ही बचा, तो इससे अच्छा है क्यों ना हम FD कर दें। काफ़ी लोगों के इस तरीके के सवाल थे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर जो टैक्स है वो आपका किस तरीके से कटता है और एक्चुअली में सही टैक्स कटने का जो तरीका है वो क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पोर्टफोलियो जो कि अपडेट हुआ है 31 अगस्त 2024 से, यानी कि जो कि यहाँ पर पहले था कि 10% करता था लॉन्ग टर्म पर, ठीक है, इसी के साथ में अब यहाँ पर 12.5 कर दिया है। और इसी के साथ में पहले था कि 1,00,000 तक की छूट थी, पर यहाँ पर अब 1 पॉइंट यानी कि 25,000 यानी कि 1,25,000 की अब आपको टैक्स पर छूट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है और किस तरीके से हम टैक्स को पे करेंगे और आखिर हमें कितना प्रॉफिट होगा वो हम इस वीडियोस में जानेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है, अगर आप 1 साल या फिर 1 साल के ऊपर पैसे को विड्रॉल करते हैं म्यूचुअल फंड में से, तो आपको यहाँ पर 12.5 टैक्स पे करना होगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में और आपको लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल से अगर आपका जो पैसा है वो ऊपर है म्यूचुअल फंड में, अगर आप उस पैसे को विड्रॉल करते हैं तो उसी में ही आपको 1,25,000 की आपको छूट मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल रहा है, अगर आप यानी कि 1 साल से पहले अगर आप पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आपको 20% तक का जो कि आपको टैक्स पे करना होगा। पर आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल से ऊपर हो जाता है तो उस पर जो टैक्स है वो किस तरीके से कटता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर खुद ही पैसे को इन्वेस्ट किया था 3.5 लाख रुपए 1 सितंबर को, और आज की डेट में आप यहाँ पर देखेंगे यानी कि 26 सितंबर हो चुका है। कहने का मतलब है मेरा जो पैसा था उसे 1 साल से यानी कि 25 दिन अधिक हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ SBI YONO, ताकि आपको पता चल जाए कि आखिर यहाँ पर जो बैलेंस है वो मेरा कितना है, यानी कि 5,14,000 कुछ यहाँ पर दिखा रहा था, ठीक है। अगर मैं अब इस पैसे को यहाँ पर विड्रॉल करता हूँ तो ये मेरे 1 साल से ऊपर हो गया 25 दिन, ठीक है। अब मैं इस पैसे को विड्रॉल करूँगा तो इस पर हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स लगेगा, ठीक है। अब मैं इस पैसे को विड्रॉल करूँगा क्योंकि मैंने 3.5 लाख रुपये लगाए थे। अब मैं यहाँ पर इसे सेट में रख देता हूँ और मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर 5,14,139.94 इतना जो पैसा है मेरा है, ठीक है। अब मैंने इसमें पैसे कितने यहाँ पर जमा किए थे, 3,50,000, ठीक है, मैंने इतने पैसे तो इसमें जमा किए थे। अब इस पैसे को सबसे पहले तो मैं निकाल लूँगा इसमें से, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर मैंने यहाँ पर निकाल लिया है और मैं इसे यहाँ पर सारी चीज़ों को पहले कैंसिल कर दूंगा। कैंसिल करने के बाद मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ 5,14,139.94, ठीक है। और इसी के साथ में अब मैं इस अमाउंट को भाई निकाल लूँगा इस 5 लाख में से, 5,14,000 में से, क्योंकि ये तो पैसा मैंने यहाँ पर जमा किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर माइनस लगाऊंगा, माइनस लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा 3,50,000, जो कि आप देख पा रहे हैं बचा अमाउंट कितना यहाँ पर 1,16,4,139.4, यानी कि यहाँ पर बचा 1,64,139.94। अब इसमें जो कि इसके नियम के अनुसार ये है, ठीक है, इसके नियम के अनुसार ये कह रहे हैं कि आपको 12% टैक्स पे करना होगा, इसी के साथ में आपको 1,25,000 की छूट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें से 1,25,000 कम कर देता हूँ इसमें से, ठीक है। तो मैं इसे कितनी मेरी अमाउंट बची ये, ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है। अब मैं इसमें से 1,25,000 कम करूँगा और, ठीक है,
1,25,000 रुपए मैंने यहाँ पर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो अमाउंट बची वो बची मेरी 39,000, ठीक है, 39,000.94, ठीक है। अब मुझे इस पर टैक्स पे करना होगा, ठीक है, 39,139.94 इस पर मुझे टैक्स पे करना होगा। अब टैक्स इसका कितना बनना है वो चलिए हम जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कर दूंगा गुणा और उसके बाद में 12.5, यही है ना टैक्स में। चलिए मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, करंट टैक्स रेट, ठीक है, 12.5%। अब मैंने यहाँ पर 12.5%। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो अमाउंट है 4,892 रुपए यहाँ पर देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसे माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो ये आपको समझ में अच्छी तरीके से और आ जाएगा। ये 94 पैसे हैं वो हम यहाँ से हटा देते हैं, इसे देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया कि आपको जो टैक्स बनेगा, टैक्स वो बनेगा 4,892.33। ये आपको यहाँ पर सरकार को टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ मेरा 1,64,000। अब इसी के साथ में 1,64,000 अब मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ पूरे अमाउंट के लिए, 1,64,139, ठीक है, जे पैसे के लिए हम हटा देते हैं, ठीक है, एक रुपये ही बैठेगा वो, ठीक है, उसे हटा देते हैं। उसके बाद में से हम इस अमाउंट को यहाँ पर कम कर देंगे इस वाली के लिए, ठीक है, माइनस 4,892, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो रुपये बचा वो बचा 1,59,247, ठीक है, यानी कि इतना हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ एक साल में, 1,02,47। तो इसका जो प्रॉफिट हमें हुआ वो हुआ 1,59,247 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। अब जो टोटल हमें अमाउंट मिलेगी 3,50,000 वो भी हम इसमें जोड़ लेते हैं, ठीक है, 3,50,000 हम उसे भी यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो हम इसे प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद 3,50,123, ठीक है। अब जो हमें अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी टोटल कट पिट के 9,247, ये हमें यहाँ पर अमाउंट मिलेगी 5,09,247 रुपये हमें यहाँ पर मिलेंगे टोटल अमाउंट। तो इस तरीके से यहाँ पर टैक्स कटता है, ठीक।